किया, 4-5 दिन से हमारे क्लाइंट को अनावश्यक डिटेन किए हुए हैं और उसको प्रेशर बनाकर आपने स्टेटमेंट दर्ज करा लिए, दबिश डाल दी, जो पैसा है उसके संबंध में जब लीगल प्रोसेस आएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। रिकवरी तो उनके घर से हुई है ना? नहीं, देखिए अभी उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, अभी ये उनका आरोप है, हम उस आरोप को अपना डिफेंस देंगे जब केस चलेगा, अभी हम नहीं कह सकते इस बात रिमांड में। कोर्ट ने यह कहा है कि अभी इनको रिमांड दिया जा रहा है और अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जैसे कि 2 तारीख को कोर्ट खुलेगी, 1 तारीख को हम लोग बेल पर जाएंगे, 14 दिन का जेल जाएंगे। ये ट्रांजिट रिमांड नहीं था, ट्रांजिट रिमांड नहीं था जी। हाँ, ट्रांजिट रिमांड होता तो उसका और विरोध होता, ट्रांजिट रिमांड नहीं था, ये जेल ही जाएंगे। इस दौरान ये अहमदाबाद भी जा सकते हैं क्या? अभी नहीं, जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्शन करेंगे हम, अभी ये नहीं जा सकते हैं। और जो हमारे को पेनाल्टी बननी है, उस पेनाल्टी को देने का हमने एप्लीकेशन दी है कि साहब पेनाल्टी हमारे खाते से ले ली जाए, जो पैसा आपने सीज किया है। टोटल रिकवरी कितने की दिखाई है? टोटल रिकवरी इनके दिखाने पर हम नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि 32 करोड़ की GST हमारे खिलाफ बन रही है चोरी, हमने 52 करोड़ रुपए के लिए लिख कर दे दिया है कि आप पेमेंट ले लीजिए हमारे खाते, जो पैसा आपने सीज किया और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया। इस पैसे का जस्टिफिकेशन नहीं मिला कि रिकवरी बताई गई, ये रिकवरी तो वो बता रहे हैं 170 के आसपास, लेकिन उनका डिफेंस मैं क्या बता सकता हूँ जब तक मेरे चीजें सामने फैक्ट नहीं आएंगे। अभी ये अपना केस लेकर आए हैं, मैं उसकी कॉपी लूंगा, स्टडी करूंगा, लीगल ओपिनियन तभी कुछ दे पाऊंगा। कैश पैसा मिला है, इसका जस्टिफिकेशन क्या? जस्टिफिकेशन दूंगा लेकिन पहले मैं इनका आरोप तो देख लूं, अभी इनके पेपर्स मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। हाँ, फिलहाल इनको जेल भेजा गया है और हम आगे बेल पर देखेंगे, ठीक है।